हेलो एवरीवन, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे राजस्थान बजट 2022-23 के पार्ट टू, जिसके अंदर हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित करेंगे कि बजट में क्या लिखा हुआ है। आप एक पेन और पेंसिल ले लीजिए ताकि आप इसको नोट भी करते रहें। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान के किन दो स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया गया है? आइए देखते हैं इसके बारे में बजट में क्या लिखा हुआ था। बजट में लिखा हुआ है कि स्वाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर व महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। यानी कि ये दो जगह हैं, जयपुर और उदयपुर, यहाँ सिंथेटिक ट्रैक की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन। बजट 22-23 के अनुसार पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? आइए देखते हैं बजट में क्या लिखा हुआ है कि पैरा खिलाड़ियों को उस तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए जयपुर वह जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की राशि से आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही जवाब है जयपुर और जोधपुर। आइए हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। आइए देखते हैं कि बजट में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, यानी कि इसका सही जवाब है जोधपुर। अगला क्वेश्चन। अच्छे माहौल में अध्ययन की सुविधा देना हेतु राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से वाचनालय यानी कि लाइब्रेरी खोली जाएगी। लाइब्रेरी का नाम क्या होगा? ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कस्तूरबा वाचनालय या राजीव गांधी वाचनालय? आइए देखते हैं कि बजट में क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। तो सरकार ने एक योजना शुरू कर रखी है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके अंदर 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल रहा है। तो सरकार ये चाहती है कि इस कोचिंग का दायरा बढ़ा के अब इस योजना के अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए। और सरकार इसी कोचिंग योजना है, इसके अंदर एक वाचनालय भी खोलना चाहती है, यानी कि प्रत्येक जिले के अंदर एक एक वाचनालय खोला जाए 50-50 लाख रुपए की लागत से। और इन वाचनालय की लाइब्रेरी का नाम होगा सावित्री बाई फुले वाचनालय। हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये लिखा हुआ है कि जोधपुर में राजस्थान हाई स्टेट परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इसका सही जवाब है जोधपुर। अगला क्वेश्चन। दिल्ली स्थित किस हाउस में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? आइए देखते हैं कि बजट में इसके बारे में क्या लिखा हुआ था। बजट में लिखा हुआ है कि प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवा दिल्ली में विभिन्न कोचिंग व करियर काउंसलिंग के लिए अपना भविष्य संवार सके, इसके लिए मैं उनके ठहरने के लिए दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से ये नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। यानी कि दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस है, उसके अंदर ये नेहरू हॉस्टल टाइप खोला जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स दिल्ली में जाके कोचिंग्स की तैयारी करते हैं वो यहाँ रह सकें। अगला क्वेश्चन। किन जगह पर राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हाउस की स्थापना की जाएगी? आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सर्विस सेक्टर, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्लेस फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में, यानी कि जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीन जगह में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। और इन हब्स में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित किया जाएगा जिन्हें डब्ल्यू हब्स बनाया जाएगा। यानी कि ये भी पूछा जाता है कि डब्ल्यू हब्स किससे संबंधित है। तो ये सर्विस सेक्टर, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पे प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन। 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसे कि इसमें बजट में लिख रखा है कि 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब है रोहट पाली। अगला क्वेश्चन। महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम कर परिवार की आजीविका में योगदान देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो देखते हैं कि बजट में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है, मैं उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, यानी इसका नाम है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा किन जगह पर विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जैसे कि बजट में लिखा हुआ है कि विशेषकर युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बीकानेर, भरतपुर व कोटा, यानी कि इसका सही जवाब बीकानेर, भरतपुर और कोटा, यानी कि बीकानेर में
एक कोटा में और एक भरतपुर में। क्या खोले जाएंगे? विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा किन औद्योगिक क्षेत्रों में मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे? तो इसमें बजट में लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगवाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, जैसे कि ग्रेटर भिवाड़ी और बोरनाडा जोधपुर में 250-250 करोड़ की लागत से मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे, और इसके अलावा जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड ड्राई पोर्ट की भी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि पीसीपीआर की स्थापना कहाँ की गई है? ये तीन जगह दे रखी है, इसमें से कहाँ पे पीआईआर की स्थापना की गई है? पंचपदरा बाड़मेर, यानी कि पहला ही ऑप्शन होगा इसका पंचपदरा बाड़मेर में पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि पीसीपीआईआर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? पंचपदरा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा गठन किया जाएगा, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा क्या किसका गठन किया जाएगा? तो इस बजट में लिखा है कि प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज व सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य में सीआईएसएफ यानी कि सेंटर में, जैसे सीआईएसएफ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, वैसे ही आरआईएसएफ की स्थापना की जाएगी, यानी कि राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या हो गया इसका? राजस्थान इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना की जाएगी, इसका नाम है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, यह इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एससी व एसटी विकास कोष की राशि 100 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो बजट में लिखा हुआ है कि 2021-22 में अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष पैटर्न लागू करके 100-100 करोड़ रुपये के विकास कोष। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एससी व एसटी विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी पिछले वाले बजट यानी कि 21-22 वाले बजट में, और पहले इसकी राशि थी 100-100 करोड़ रुपए, और अब इसकी राशि बढ़ाकर, दोनों की राशि बढ़ाकर 500-500 करोड़ कर दी गई है। तो इसका सही जवाब है 500 करोड़। थैंक यू। हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।